आदि 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 क्या कर रहे हो? आदि जल्दी आओ, तुम्हें किसी ने देख लिया तो। मैंने कहा जल्दी अंदर आओ। हमने आपसे कितनी बार कहा है बिना किसी रीजन के अपने पावर्स का इस्तेमाल मत किया कीजिए। यस पापा, लेकिन इस बार रीजन था, मैं परी को ढूंढ रहा था। परी को ढूंढ रहे थे मतलब? वो तो तुम दोनों के कमरे में ही होगी ना? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। मैं जब सुबह सो के उठा तब वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो मिली नहीं। आप ही संदीप को क्या करोगे? ऐसे क्यों कर रहा है? इसे भूख लगी है, इसे खाना मिलेगा तभी ये और बड़ा होगा। नहीं पड़ी, ये पिज्जा नहीं खाता, इसके लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। क्या हो गया अंश, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? माँ, आपने परी को देखा क्या? अरे वो अपने कमरे में सो रही होगी ना? नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। नहीं है तो कहाँ जा सकती है? परी, 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 परी कहाँ थे तुम? बेटा, ऐसे कोई बिना बताए कहीं जाता है क्या? परी जवाब दो, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहीं नहीं पापा, बिल्डिंग के प्ले एरिया में खेल रही थी। खेलने? अपनी हाइट का बैग लेके अकेली खेल रही थी? अरे भैया उठे नहीं ना, इसलिए मैं अकेले चली गई। ये बेटा, किसी को बता के तो जाना चाहिए था, या हम सब कितने परेशान हो गए थे। अरे मम्मा, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कहीं भी जाओ तो बता के जाना। चलो कोई बात नहीं, अब सब उठ ही गए तो नाश्ता कर ले। चैताली, नाश्ता लगा दे। परी बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ और ये बैग मुझे दे दो। अरे क्या हुआ परी? मैं अपने काम खुद करती हूँ ना, इसलिए मैं ये बैग भी खुद रखती हूँ। अरे परी, ये लड़की भी ना कभी कभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। डोंट वरी पिया, आप बच्ची है ना। गर्मा गर्म समोसे। आदि, बेटा परी कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में होगी। परी बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। परी बेटा जल्दी आओ। पिया, मैं परी को लेकर आता। कहाँ थे आप? हैंड वॉश किए? आदि बेटा, आपने हैंड वॉश किए? यस मम्मा। दिखाओ। हे भगवान, आदि, आदि, बेटा क्या हो गया आपके हाथ को? ये तो जलने के निशान। आदि बेटा, आपका हाथ कैसे जल गया? पता नहीं पापा, जब मैं रात को सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गर्म चीज को टच कर लिया। और जब मैं उठा तो ऐसा हो गया। बेटा लेकिन आपके कमरे में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे आपका हाथ जल जाए। क्या आपने देखा था वो कौन सी चीज थी? जब मैं उठा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अंश, अंश ये निशान नॉर्मल नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हमें निशान जी से पूछना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ। आंश बोलो। हेलो पापा। व्हाट? आदि के हाथ पर? अच्छा एक बात बताओ,
क्या वो निशान बढ़ रहा है? हाँ पापा, बढ़ रहा है। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि नमन के हाथ पर भी ऐसा ही एक निशान है जो उसे उस मिस्टीरियस अंडे को छूने के बाद मिला, जिसके बारे में कल मैं तुम लोगों को बता रहा था। अगर आदि के हाथ पर भी वैसा ही एक निशान है तो आदि ने भी उस अंडे को छुआ है। लेकिन पापा, आदि कह रहा है कि उसने वो चीज देखी ही नहीं। अच्छा अंश, ये कब की बात है? कल रात की बात है। तो क्या इसका मतलब वो अंडा यहाँ था? हाँ अंश, क्योंकि वो अंडा कल ही यहाँ से अचानक अपने आप चला गया। आई एम श्योर कि वो यहाँ से निकल कर वहीं आया होगा। डैड, ये देखिए। क्या हुआ पापा? पापा बताइए। अंश, नमन के हाथ पर जो निशान है उसमें वेन्स ग्लो कर रही हैं और बढ़ रही हैं। तो क्या आदि के साथ भी यही होगा? आई होप नॉट, क्योंकि आदि नमन की तरह एक आम इंसान नहीं है, उसके पास शक्ति है। आई एम श्योर कि उस अंडे का असर आदि पर कम ही होगा। आज, आज ये देखो। आज। पापा, आदि के हाथ की वेंस भी ग्लो कर रही है और बड़ी हो रही है। और अगर आदि पर भी उस अंडे का उतना ही असर हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो अंडा बहुत ही शक्तिशाली। अंश, अंश बाबा से पूछो ये ठीक कैसे होगा। आई डोंट नो बेटा, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि कोई और उस अंडे को छुए नहीं। ऑलराइट, मैं और सावी अभी आ रहे हैं। ये तो नहीं पता इससे वेंस का बढ़ना रुकेगा या नहीं, लेकिन स्लो डाउन जरूर होगा। Don't worry, बेटा, ओके? नानू पापा आ रहे हैं। तब तक हमें अंडे को ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो। आप लोग यही रहिए आदि के पास, मैं और पिया जाकर वो अंडा ढूंढते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी अंडा मिल जाए तो प्लीज उसे छूना मत। ध्यान से जाना तुम दोनों। मुझे लगता है हमें बच्चों के कमरे से शुरुआत करनी चाहिए। क्या हुआ अंश? चलो। सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इस भस्मिका की चाल में फंसना ही नहीं चाहिए था। ये बेवकूफी की वजह से उस अंडे का जन्म हुआ और अब उस अंडे की वजह से हमारा बेटा खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं है अंश। खतरे हमारी जिंदगी में बार बार आए हैं और हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी खतरे के सामने कमजोर पड़े हैं या उस खतरे को पहचान नहीं पाए। लेकिन ये भी सच है, खतरा जब भी हमारी जिंदगी में आया है हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने पहले भी हार नहीं मानी और आज भी हार नहीं मानेंगे। You are right. चलो। लगता है पापा और सावी आ गए। सबको पता चल गया अंडा इस घर में है, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया। शाबाश, मतलब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था।